तुम्हें बहुत जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता चल जाएगा। जैसे जैसे डाक गुरु मेरी साधना से प्रसन्न होते रहेंगे, वैसे वैसे मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिलती जाएंगी। कहाँ चली गई है लड़की? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये महल, यहाँ तो कोई महल नहीं था। मैं तो पूरा जंगल में घूमती रहती थी, बस कभी कोई महल नहीं दिखाई दिया। हे अम्बे माँ, इतने बड़े महल पर मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी? मैंने एक 20-21 साल की लड़की को जंगल के पास जो झरना है ना, मैंने उसे वहाँ देखा था। मैं उस बच्ची को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पहचानता, पर गाँव वालों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो आप ही की बच्ची है। शायद उसे वहाँ कोई अकेला छोड़कर चला गया होगा। मेरी बच्ची है। कितने दिनों बाद इस आजाद हवा में सांस लेने का मौका मिला, वरना उस रहस्यमय महल में तो जैसे दम घुटता था। क्या कहा था तुमने कि तुम हमें शिकार करने से रोको? अधिराज को रोकने का स्वप्न देख रही थी ना, अब तुम्हें पता चलेगा अधिराज कितना बड़ा शिकारी है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले सुनैना, एक बार यहाँ से भागने में कामयाब हो गई ना, तो दोबारा इनकी सूरत देखनी नहीं पड़ेगी और ना ही शिकार। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन नानी जी के आने से पहले मुझे शायद चला जाना चाहिए। क्या है ना कि उनको शायद अच्छा ना लगे आपके साथ ऐसे अकेला देखकर। अरे नहीं नहीं, नानी बहुत अच्छी है, लोगों से बहुत प्यार करती है। वो तो बस जब से दीदी का अपहरण हुआ है तब से उनका हर इंसान पे भरोसा उठ गया है। बहुत बुरा लगा आपकी दीदी के बारे में जानकर, और आपके माता पिता को भी दुख हुआ होगा ना? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए तो नानी ही सब कुछ है। चंद्रलेखा, तुम्हें बहुत जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता चल जाएगा। जहाँ तो रास्ता खत्म है, अब हम आगे कैसे जाएंगे?
शक्तिशाली, परम आदरणीय, हम सबके सहायक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे महागुरु, डाक गुरु की सदा ही जय हो। मैं डाक गुरु की साधना शुरू करूंगी। डाक गुरु? पर रानी माँ, हमें तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। डाक गुरु सबको दिखाई नहीं देते। अगर उनकी इच्छा होती है तो उनको कोई देख पाता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनको देखना संभव नहीं है। यहाँ अपने डाक गुरु से प्रार्थना करने आई हूँ, क्योंकि वही हैं जो मेरी त्वचा को झुलस कर गिरने से रोक सकते हैं और मुझे मेरी शक्ति वापस दिला सकते हैं। शिष्या चंद्रलेखा आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करने आई, सुन लीजिए पुकार और लौटा दीजिए मुझे मेरी शक्तियां। मुझे मेरे डाक गुरु का संकेत। जैसे जैसे डाक गुरु मेरी साधना से प्रसन्न होते रहेंगे, वैसे वैसे मुझे मेरी शक्तियां वापस मिलती जाएंगी, और वो सारी शक्तियां इसमें इकट्ठी हो जाएंगी। रानी कहती है मेरी माँ रानी साहब की सबसे अच्छी दोस्त थी। लगता है संदूक में नानी ने तुम्हारे बचपन की सारी यादें सहेज कर रखी होगी ना। हाँ, दिखाती हूँ। आप मेरी माँ बाबा की तस्वीर देखेंगे? नानी, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, पर सुनैना दीदी कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है वो बाबा झूठ बोल रहे थे, या फिर उन्होंने किसी और को देखा होगा। नहीं बेटा, उन्होंने कहा था ना कि वो शादी की जोड़ी में देखा था और उसके लंबे बाल थे। हाँ, पर नानी मैंने कहा ना
सुनैना दीदी यहाँ नहीं मिलेगी। शुभ शुभ बोल बेटा, हम लोग थोड़ी दूर और चलते हैं। पर तू भी तो चाहती है ना कि तेरी दीदी तुझे मिल जाए। हाँ थोड़ी देर और ढूंढते हैं बेटा। हाँ ठीक है, घर जाकर ना मैं ना तुझे हलवा बनाकर खिलाऊंगी। हाँ पर नानी। थोड़ी देर और बेटा, मेरा दिल कहता है ना कि मेरी सुनैना यही कही है। बेटा तू मेरी आंख बंद कर आई है ना, तू ही थक गई तो। मैं थकी नहीं हूँ नानी, बस मुझे लग रहा है हमें अब चलना चाहिए। मुझे भी जल्दी है बेटा, तारा ना अकेली है घर पे, बस थोड़ी दूर और चलते। हो सकता है कि इसके बाद अब सुनैना दीदी को लेकर ही घर लौटे। हाँ चल चलो बेटा चल। मुझे सच में बहुत बुरा लगा तुम्हारी दीदी के बारे में जानकर। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओ मेरे पास एक घोड़ा है जिस पर बैठकर हम पूरा जंगल छान मारेंगे और गांव वालों से भी पूछेंगे। इसमें ज्यादा समय जाएगा नहीं। सच? हाँ तारा। फिर तो मैं दीदी को जरूर ढूंढूंगी। वैसे भी जैसे नानी ढूंढ रही है ना, मुझे नहीं लगता कि दीदी मिल पाएंगी। फिर देखना, मैं दीदी को ढूंढ के लेकर आ जाऊंगी और नानी भी समझ जाएगी कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ा काम भी कर सकती हूँ, है ना? मैं बस अभी आई। तुम बच्ची नहीं बल्कि बेवकूफ हो। अब तो मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी दीदी से मिलवाऊंगा। बस मौका मिलते ही मैं यहां से फरार हो जाऊंगी। ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती हो? उठाओ इसे। और तुम्हें यहां पर वन विहार कराने नहीं लाए हैं, सहायक बनाकर लाए हैं। इसलिए हमारे आदेश का पालन करना सीख लो, वरना उठाओ इसे। क्या बात है अधिराज, शिकार खुद शिकार बनने चला आया। अब इसमें तेरी क्या गलती है? चला तीर। और वैसे भी इस शिकार को मारने में बहुत मजा आएगा। तो हमने कहा तीर धनुष दो हमें। ये क्या उद्दंडता है? हटो सामने से। हमने कहा था ना, ना हम आपको शिकार करने देंगे और ना ही किसी को शिकार होते देखेंगे। बकवास बंद करो और हटो सामने से। मर जाएंगे पर इन मासूम जानवरों को मरने नहीं देंगे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
चले। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मुझे लगता है कि नानी को बिना बताया जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी नानी घर आती ही होंगी और वो घर आएंगी और मुझे नहीं देखेंगी तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी, इसलिए अभी रहने देते हैं। हटो सामने से। पहले इस तीर को हटाओ। मैंने बोला जाओ यहाँ से। आहा। पहले उस मासूम जानवर को जाने दो। हमारे पैरों में गिरना और आदेश का पालन करना सीख लो, वरना हम तुम्हें भी मारेंगे और उस जानवर को भी। तीर दो हम। कहाँ चली गई है लड़की? भाग! हम माँ को क्या जवाब देंगे? हम यहीं कहीं गई होगी, ज्यादा दूर नहीं जा सकती। वो उसे अभी पकड़ कर लाते हैं। किधर है? माँ, एक बार रानी माँ की शक्तियां पूरी वापस आ जाएंगी तो आप जल्दी ही मेरे विवाह की बात कर लेना, वरना पता नहीं कब तक मुझे अपने होने वाले पति को अपनी सौतन के साथ देखना पड़ेगा। पता नहीं वो दोनों जंगल में क्या कर रहे होंगे। तो चिंता मत कर, मैं चंद्रलेखा से बात करूंगी। हुँ? क्यों, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? वो आप कीड़ा था, तुम्हें क्या लगा? मैं कोई वैसा इंसान नहीं होता रहा जो मासूम लड़कियों का फायदा उठाता हो। मैं बहुत अच्छे खानदान का बेटा हूँ, जहाँ औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, जहाँ औरतों का आदर करने की सीख भी दी जाती है। इसलिए मुझे कभी उस घुड़सवार जैसा मत समझना। रुक जाओ, हमने देख लिया है तुम्हें। रुक जाओ वरना शाम से मार देंगे। बेटा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, आप इस पेड़ के पास बैठ जाओ। यहाँ? हाँ।
देखा रानी, तुम भी थक गई ना, अब चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरी बूढ़ी नानी ने तुझे बहुत थका दिया, मैं भी थक गई हूँ। मेरी सुनैना मुझे नहीं मिली, अब भी क्यों मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मेरी बच्ची यही कही है। अम्बे माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अब आगे कैसे जाओ, यहाँ तो गहरी नदी है। पहले तो सुना ही था कि आगे कुआं पीछे खाई, और आज देख भी लिया। अब भाग कर दिखाओ। जय मां अम्बे। ये महल रातों रात तो यहाँ बन नहीं सकता। इसका मतलब ये वही अदृश्य महल है जो अब अचानक दिखने लगा है। मुझे मेरी शक्तियाँ एक बार फिर से मिल जाएंगी। शिकार खुद मेरे पास चलकर आ रहा है। कनक, जाओ और इसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जी रानी।